Rulamic students, I hope you all are good and set today and you are all doing well, okay? So in today's lessons, we know about the comparing and ordering of fractions, okay? So what is comparing of fractions? Comparing fractions means to find out the less greatest fractions and the lowest fractions, or great fractions, or small or big fractions. That is comparing, okay? So basically, we know that how to compare the numbers with the same numerator and the same denominator. Okay. So first, let's start about the comparing unlike fractions. Okay. So comparing unlike fractions. Comparing unlike fractions. So comparing unlike fractions, we know that first there are some basic unlike fractions with same numerator. Comparing unlike fractions with same numerator. So we know that in case unlike fractions having same numerator, the fractions having the greatest denominator is the smallest. Okay, agar unlike fractions hua, agar same numerator, just like an example, 5 by 7, 5 by 13. So, agar isme comparison karenge. So, here agar numerator are same, but the denominator are different. So, here the fractions having the greatest denominator, the small fractions, and having the smallest denominator will be the greatest fractions. Okay, so here 5 by 13 is less than 5 by 7. Okay, और एक बार कह देता हूँ कि जो fraction का क्या होगा कि 13 अगर जो denominator छोटा हुआ, like fraction होगा, like fraction मतलब लाइक मतलब न्यूमरेटर लाइक हो मतलब सेम होगा, और वो फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर वो बड़ा होगा तो वो वाला छोटा होगा, और जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो वाला बड़ा होगा. कब कौन सी मतलब कौन सा कंडीशन होना चाहिए? लाइक फ्रैक्शंस विद सेम न्यूमरेटर अगर होना चाहिए तो ऐसा हम कर सकते हैं. और सेम डिनोमिनेटर हुआ, ठीक है, ये तो सेम डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर हुआ, ठीक है, ओके. सो ये था क्या कि वो सेम न्यूमरेटर हुआ, अगर सेम डिनोमिनेटर हुआ, ठीक है, अगर सेम डिनोमिनेटर हुआ. सो ये तो भी हम जानते हैं कि कैसे करेंगे. तो अगर सेम डिनोमिनेटर हुआ, अगर 2 by 5 3 by 5, अगर इसमें हम कंपैरिजन करेंगे तो क्या होगा, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो क्या होगा, वो होगा वो बड़ा होगा, और जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो छोटा होगा. तो इसे ये लाइक फ्रैक्शन में जानते हैं, ठीक है. तो अभी हम देखेंगे अनलाइक फ्रैक्शंस का. अनलाइक फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट न्यूमरेटर, ठीक है. अनलाइक फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट न्यूमरेटर. Unlike fraction having different numerator. So there are some method. Okay. Suppose एक method one हम use करते हैं, ठीक है, पहले method one करते हैं. Suppose a by b and c by d. Okay. Both are the fractions. Okay. Suppose let two fractions. अगर इसमें हम क्या करेंगे, ये ऑनलाइन फ्रैक्शन से इसमें कंपैरिजन करेंगे. सो टू कंपेयर देम वी हैव टू फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ए बी एंड बी सी. ओके, सो फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट मतलब ए से क्या करेंगे, ए डी एंड बी सी. ए से डी को मल्टीप्लाई करेंगे जो होगा ए इंटू डी, बी से सी को मल्टीप्लाई करेंगे बी इंटू सी. ओके, तो ऐसे हुआ तो कंपेरिजन करेंगे तो कुछ रिजल्ट आएगा. जैसे कि एक रिजल्ट आएगा इफ AD greater than BC हुआ, ठीक है, AD उसका अगर मल्टीप्लिकेशन AD जो होगा greater than BC हुआ, AD का मल्टीप्लिकेशन BC से अगर बड़ा हुआ तो क्या करेंगे, ये जानेंगे कि AB is greater than BC.
So AB is greater than BC. Okay, so first result. Let AB and CD are two fractions and find out the cross product of AD and BC. Then ये फर्स्ट जो रिजल्ट आएगा AD इज ग्रेटर देन BC अगर हुआ तो हम कहेंगे AB ग्रेटर देन BC होगा, ठीक है। देन सेकंड रिजल्ट, इफ AD लेस देन हुआ, ठीक है, AD लेस देन BC, देन क्या होगा, AB लेस देन BC होगा। AB लेस देन BC होगा, ठीक है। अगर AD BC से छोटा हुआ तो AB लेस देन BC होगा। उसी तरह अगर दोनों इक्वल हुए तो दोनों फ्रैक्शन भी इक्वल होगा। अगर AD इक्वल टू BC हुआ देन AB इक्वल टू BC, AB इक्वल टू BC, सॉरी AB इक्वल टू CD, CD CD सॉरी सर, सो CD, ओके। और एक और कह देते हैं, अगर AD BC से बड़ा हुआ तो AB कंपेरिजन है, ठीक है, जो मेथड टू है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। सो इस क्लास में इतना ही, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो मुझे मैसेज कर देना या कॉल कर देना, ठीक है, कौन सा वाला समझ में नहीं आया, ठीक है। सो आई होप दिस क्लास इज मीनिंगफुल टू यू, सो थैंक यू।